और दोस्तों अभी चिकू बेटी स्नान कर ली है। कहाँ भाग रही हो? मैं चलना स्टार्ट कर देगा ना विराट। हेलो मेरे YouTube फैमिली, नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और कल वाली वीडियो में दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि लिट्टी चोखा हम लोग किस तरह से बनाए थे और बाद में हम लोग खाए भी थे। ये ब्लॉग पता नहीं कब अपडेट मतलब आपसे के पास जाएगा। और वही ना खाना बच गया था दोपहर का, क्योंकि लिट्टी चोखा बनाते बनाते ही टाइम आधा ख़त्म हो गया और हम लोग ना पूरी तरह से खाना नहीं खाए। और नहीं खा लिट्टी बनाने के चक्कर में पूरा ब्लॉग बनाने के चक्कर में हम लोग खाना भी नहीं खाए। तो इस सवेरे वाला जो चावल बच गए थे तो उसको हम लोग फेंके नहीं, उसे फिर से हम लोग कढ़ाई में भून रहे हैं और भून कर फिर खाएंगे। हाँ, तो बहुत लोग हैं जो कि बचे हुए खाने को मतलब भून करके खाते होंगे या बिक देते होंगे, जो भी है। और मेरे लिए लेकिन ये बहुत ही मायने रखता है कि किस तरह से भून रहे हैं। और ये गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग खा लेंगे इसी को। इसमें थोड़ा सा प्याज और टमाटर और धनिया का पत्ता डाल दिए हैं ताकि खाने में अच्छा लगे। और इधर चीकू पत्ता पत्ता बहुत ज़्यादा खुश है। खाओगी तुम? और विराट अभी सोया हुआ है, पता नहीं कि अभी सो गया, जगह नहीं है जी, सो गया। अभी दोस्तों चावल भून दिए हैं गुड़िया जी और अपने खुद खा रहे हैं। और आप देखिए भी खाना होगा तो खा लीजिए। और चीकू ना गुड़िया जी के साथ खाते ऐसे ही करती है, कम खाती है और छिड़ती है। जब हम खाते ना बिना खाने नहीं रहती, कितनों ना ही खाना खा ले रहे बट हम खाला बैठेंगे तो साथ में खाएगी ही खाएंगे। क्योंकि मम्मी के मेरे साथ नहीं खाएगी, मम्मी के साथ खाती है। तो दोस्तों अभी मॉर्निंग का समय है और हम लोग अभी सो कर ही उठे हैं और हम थोड़ा सा मुँह धोने चले गए थे चापाकल पे। और ये लोग तो अभी बिस्तर पर है तीनों को, देख लीजिए सकल। क्योंकि मतलब क्यों रहेंगे, क्योंकि विराट को धरना होता है ना। हाँ। और विराट को हम निकाल नहीं सकते, अभी कोहरा इतना ज़्यादा हो, मतलब कल भी बहुत ज़्यादा था कोहरा, आज भी था, आज भी है। हाँ। कल भी था आज भी है। और विराट को मतलब लेकर के बैठे हुए रहते हैं और चीकू को भी, चीकू कार्टून देखते रहती है, नहीं तो निकल जाएगी, इसलिए इसको कार्टून दिखाते हैं मोबाइल फ़ोन में। तो अभी हम लोग सुबह उठे हैं और अभी काम है जो घर का कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम लोग करेंगे अभी, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि विराट को हम ले हुए रहेंगे ना, तो गुड़िया जी ही करेंगे। और मैं लेकर रात को भुना हुआ भात खा करके हम लोग सो गए थे। तो चलिए अभी इस वीडियो को कंटिन्यू कर। अभी दोस्तों हम बर्तन भी धो लिए और चूल्हा भी साफ कर लिए और पूरा इधर साफ सफाई भी कर दिए। और चीकू पता ना इसमें क्या ढूंढ रही है। अरे चीकू उसमें खाने का सामान नहीं है, उसमें चाय पत्ती है, रख दो रख दो। पापा से बोल कर हमें तुम्हें तुमको हम दुकान से कुछ मंगवा देते हैं, रख दो वो चाय पत्ती है। और इधर ना विराट को लेकर विराट के पापा जी ये देखिए घूम रहे हैं और बहुत ज़्यादा कुहासा है, फिर भी विराट अंदर बैठे बैठे रो रहा था तो घुमाने के लिए बोल रहा था। देखिए कंबल सही थी, विराट को घुमा रहे हैं। इधर देखिए यह है विराट, अभी सो रहा है, सोने का नाटक कर रहा है। अभी जाकर सुलाइए, तुरंत फिर जाग जाएगा। और इधर चीकू, और चीकू ना कुछ खाने के लिए तैयार है, तो अभी अभी पापा के साथ में जाएगी। चीकू क्या चीज खाएगी तुम? चीकू केक खाएगी, केक। और ये चीकू का चप्पल ना बहुत छोटा हो गया है, पहनाते ना तो इसको दर्द करता है, बट नया लेने वाले हैं इसीलिए अभी फिलहाल के लिए पहना दिए हैं किसी तरह। तो देखिए चीकू दिखा रही है कि फटा हुआ है। चीकू नया चप्पल ले देंगे। चिकू अभी सोम पापड़ी खा रही है, तो दोस्तों गुड़िया जी का बाल जो झड़ गए थे ना, वो बाल को बेच करके और चिकू सोम पापड़ी खा रही है। अभी आए थे, अभी तो वहाँ पे चले गए। अच्छा लग रहा है सोम पापड़ी, क्या बोलते गुड़िया, सोम पापड़ी या सोन पापड़ी? सोन पापड़ी, सोन पापड़ी बोलते हैं ना। अभी दोस्तों गुड़िया जी विराट को तेल मालिश कर रहे हैं और ये देखिए कितना ज़्यादा उछल पुछल भी निकले हुए हैं। सुबह में तो कोहरा था बट अभी धूप ज़्यादा निकल गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे अभी मालिश हो रहा है विराट का। और एक जो कि हमारे YouTube फैमिली, वो बोल रहे थे कि बेबी का तेल मालिश का पूरा वीडियो डालिए, तो मतलब हम स्टेप बाय स्टेप नहीं बता सकते कि किसे खोलना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। और ये दोस्तों यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है, कहीं ना कहीं मतलब इसके वजह से चैनल भी डिलीट हो सकते हैं, इसके वजह से हम लोग
पूरी तरह से तेल मालिश, लंगटे उंगटे बच्चों को लाना, ये सब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। तो अगर यूट्यूब की नज़र में पकड़े जाएंगे ना तो मेरा चैनल ही डिलीट हो जाएगा। इस चलते हम पूरी तरह से तेल मालिश नहीं लाते हैं। गुड़िया जी, आपको आता है ना अच्छी तरह से तेल मालिश करना? हाँ। कि नहीं आता है? आता है। अच्छे से कर लेते हैं ना? पहले आ रहा था कि नहीं आ रहा था चिकू भाई जी? चिकू के समय भी कर ले सकते हैं। तो अभी विराट देखिए तेल का जो बोतल है ना वो लिए हुए है और खेल रहा है, और इसका तेल मालिश हो गया तो ये थोड़ा फ्रेश हो गया, अभी खेलेगा। ये खेलोगे ना? हाँ विराट बोलो, खेलोगे ना? ये हाथ निकालो, हाथ निकालो, ये चाटता है। और इसे ना उल्टी के लिए बहुत लोग कमेंट किए हैं कि उल्टी ज़्यादा करता है ना, तो जैसे कि जैसे दूध पिएगा ना उसके बाद इसको थपथपाना है, थपथपा देंगे, समझ लेना विराट, थपथपा थपथपा देंगे। गुड़िया जी थपथपा दे दीजिएगा, ठीक है? थपथपा दीजिएगा, देखते हैं थपथपा के ठीक होता है या नहीं। और इसे बाल बढ़ रहे हैं, इसका बाल बढ़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा भी बढ़ रहा है विराट भी। पहले से कितने मंथ का हुआ गुड़िया? चार मंथ। कितने दिन हुए हैं? 21 तारीख को 4 मंथ हो गया। आज कितना तारीख है? 27 तारीख है ना? 5-6 दिन हो गया। 4 मंथ 6 दिन का हो गया है विराट। और आप लोग बताइएगा कि देखने में लग रहा है 4 महीना 6 दिन का लग रहा है, शायद लग रहा है। और ये 2-3 महीना में बैठने लगेगा, साल भर में ये चलना स्टार्ट कर देगा ना विराट, कर दोगे ना? हाँ। और हल्ला करो करो ना जी, हाँ और खेलो। अभी विराट को सुला दिए हैं इसमें गुड़िया जी, और खुद है जो कि आंगन को साफ कर रहे हैं। इसे कई बार दिन भर में साफ करते हैं गुड़िया जी? कई बार? 3-4 बार साफ होते हैं। और ये दोस्तों पहले ना बहुत ही ख़राब दिखते थे, इस जगह को हमने बहुत प्यार से बनाए हैं, बहुत ही मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत जंगल टाइप का हो सकता है कि स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिस समय ये घर का था मतलब हालत, और इस आंगन का बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे ना गुड़िया। अभी गुड़िया जी इतना साफ साफ कर करके ना इतना साफ कर दिए कि देखने में बहुत ही मस्त लगता है। तो दोस्तों इसी जगह पे जो कि है हम लोग घर बनाए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं लोकेशन को, और देखिए पहले कितने जंगल थे अभी कितने साफ सुथरा हो गए हैं, आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा साफ है। और दोस्तों अभी चिकू बेटी स्नान कर ली है, और दोस्तों इसी जगह को आप सभी को बता रहे थे कि कैसे पहले था, कितने सारे जंगल थे, बट अभी देखिए कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और ये सब मेहनत गुड़िया जी का है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये घर में। और देखिए, और चिकू के लिए दोस्तों हम लोग कपड़ा भी खरीदने वाले हैं, जैकेट, क्योंकि बहुत लोग कमेंट किए थे मेरे मतलब बच्चे हैं ना तो इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा बात नहीं है, बट अभी कुछ स्थिति ख़राब है इसके वजह से नहीं कर पा रहे हैं। और चिकू देखिए बाल किस तरह से बनाई हुई है, जैसे गुड़िया बनाते हैं उस तरह से ना चिकू, भाग रही है ना, तो बोली है कि ऐसे बना दो ऐसे। अच्छा, खुद बोली है और उस तरह से बना दिए ना। और दोस्तों अभी चिकू बेटी स्नान कर ली है, और दोस्तों इसी जगह को आप सभी को बता रहे थे कि कैसे पहले था, कितने सारे जंगल थे, बट अभी देखिए कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और ये सब मेहनत गुड़िया जी का है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये घर में। और देखिए, और चिकू के लिए दोस्तों हम लोग कपड़ा भी खरीदने वाले हैं, जैकेट, क्योंकि बहुत लोग कमेंट किए थे मेरे मतलब बच्चे हैं ना तो इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा बात नहीं है, बट अभी कुछ स्थिति ख़राब है इसके वजह से नहीं कर पा रहे हैं। बट और चिकू देखिए बाल किस तरह से बनाई हुई है, जैसे गुड़िया बनाते हैं उस तरह से ना चिकू, भाग रही ना, तो बोली है कि ऐसे बना दो ऐसे। अच्छा, खुद बोली है और उस तरह से बना दिए ना। अभी दोस्तों चिकू है जो कि कपड़ा पहन लिया और उधर जा रही है, आ जाओ इधर चिकू, चिकू चिकू ऐ आओ तो तुम कहाँ भाग रही हो, अभी बाल तुमको बनाना है, ठीक है? बाल बना दीजिए इसका, तेल लगा फिर जा रहे हो तुम, इधर आओ, बहुत शरारत करती हो तुम, बहुत ज़्यादा शरारती हो गई हो तुम। और दोस्तों हम लोग ना विराट के लिए जैकेट लेने वाले हैं, चिकू के लिए भी, और देखेंगे जो भी खरीद आएगा, क्योंकि गुड़िया जी के लिए भी कुछ खरीदने हैं ऐसे, मतलब अभी हमारा जो कि यूट्यूब पेमेंट है वो नहीं आए हैं, क्योंकि यूट्यूब पेमेंट मतलब आ जाएंगे तो ले लूँगा, और मतलब किस तरह से उसी में घर चलाना भी, और भी, और दोस्तों इसी में से हम सोचे कि थोड़ा पेमेंट बढ़ जाए तो दोस्तों मैं मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलूं,
और अपने परिवार को मतलब चलाऊं। मैं YouTube के मतलब सहारे भी नहीं रहना चाहता हूं, YouTube भी थोड़ा कर लेंगे और जो कि है अपना जो कि मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है वो भी खोल लूँगा, बट थोड़ा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो अभी दोस्तों मेरे को तो मोबाइल रिपेयरिंग पूरी तरह से आते हैं और वो मैं कर भी लूँगा, वो मेरे को पता है, साइबर कैंप का भी काम जानता हूँ, बस मेरे पास लैपटॉप नहीं है, नहीं तो पूरा काम जानता हूँ। इसके लिए दुकान के लिए थोड़ा सा बड़ा अमाउंट चाहिए मोबाइल रिपेयरिंग फिर साइबर कैंप के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा अभी हम सोच रहे हैं और फालतू के पैसे जो इधर इधर हम इधर उधर खर्चे नहीं करें। बहुत लोग बोल रहे हैं कुकर ले लीजिए सुनील भैया, बस हम लोग मतलब ज़िंदगी में कुछ समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, ऐसे ही नहीं है, और आप लोग हमें बताते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि आप मेरे बड़े भाई बड़े बहन और बड़े जो भी हो आप लोग हमें अच्छे सुझाव देते हैं और उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद बोलता है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को ना बहुत ही अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए।